दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज़ में, परिस्थिति में अटको मत। चाहे दुख हो, खुशी हो, समस्या हो, कहीं मत अटको। जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। एक बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था। लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वो उस लकड़ी के टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि खूब सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ पुल की दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहाकर ले जा रहा था, वैसे वैसे वो पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल हो गए और फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। और ऐसे ही एक के बाद एक कोई ना कोई चीज़ नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ वो गायब हो रही थी। ये देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आने लगी, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हाँ, वाकई लग गया था उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज़ किसी दिन इसी पानी के साथ गुजरकर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वो लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वो दुख में होता तो यही कहता कि ये तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जब वो सुख में होता तो भी यही दोहराता कि ये तो पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। उसके बाद वो लड़का कभी चिंता में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है, जो हमारे जीवन की हर चीज़, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, सब अपने साथ ले जाता है। इसलिए सुख और दुख में यही सोचो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री राधे।